मैंने इंटरव्यू से पहले का थोड़ा सा आपको तंग करने के लिए बुलाया, कुछ सवाल थे जो कि गेम को देखते हुए जहन में आए, और ओवरऑल जिस तरह की क्रिकेट केपी ने खेली है इस टूर्नामेंट में उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सवाल कुछ बनते हैं। एक तो ये कि आप लोगों की जो क्रिकेट रही है, बैटिंग रही है, ओवरऑल एवरेज आपकी टीम की 3.85 है स्कोरिंग की, लेकिन ये वाहिद मैच है जिसमें आप लोग 2.5 या 2.6 पर जा रहे हैं। इस करंट स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे रन स्कोरिंग बिल्कुल ही रुक गया है, इनफैक्ट लास्ट हाफ एन आवर कल और फिर आज सुबह से। देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, हमारा प्लान यही था कि हम ये मैच जीतने के लिए जाना है, और अगर आपने देखा होगा कि पहले दिन जितने रन बने हैं इस पिच पे इतने रन नहीं बनने चाहिए, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 300 अबव बनते हैं यहाँ पर अगर आप पूरा दिन खेलते हैं बैटिंग के लिए। ओवरऑल जितने भी हमारे मैचेज हुए हैं 4 की एवरेज और 4.5 की एवरेज से भी हमने यहाँ पे स्कोर किया है, और पिच में थोड़ा सा लो बाउंस है और बैटिंग के लिए बड़ी साजगार पिच है, बॉलर के लिए कुछ नहीं है, ना स्पिनर के लिए कुछ है, ना फास्ट बॉलर के लिए कुछ है। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी पिच, एकदम से पिच का बिहेवियर कैसे चेंज हो गया कि जो इससे पहला मैच हुआ वहाँ पर इसका रिज़ल्ट आया है, और अब इस मैच में आप देखें ड्रॉ की तरफ जा रहा है, और नॉर्दर्न के भी वो मैच जीत रही थी, सिंध की टीम जीत रही थी पर वो भी ड्रॉ की तरफ चला गया, तो जो उससे पहले मैचेस हैं तो उसमें रिजल्ट आते रहे हैं, तो वैसा ही पिच होना चाहिए था बेसिकली। हाँ ये बात आपकी सही है, आपने 100 रन पर सेशन किया है पिछले कुछ मैचेस में, यहाँ पर आपने ड्रॉ करके ऑलमोस्ट वो जीती थी। एक ओवरऑल पिक्चर ऐसी आती है कि आपके 140 पॉइंट्स हैं, एक राउंड रह गया है, ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हैं, तो आप प्रेफर करते हैं कि अगर ड्रॉ भी होता है तो आपकी जगह और मुस्तहकम हो जाएगी। देखिए अवेयरनेस सबको है, और ये भी प्लेयर सबको पता है कि क्या सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ पहले दिन से मैच थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अगर थोड़ा सा वो भी तेज़ खेलते तो बड़ा अच्छा होता, हमें भी पता चलता कि ये पॉसिबिलिटी हो रही है, और 350 पे डिक्लेयर करना मैं नहीं समझता कि अच्छा डिसीजन है। अगर तेज़ खेल के अगर 450 पे डिक्लेयर होते तो ये बड़ा अच्छा होता, ये हमारे पे प्रेशर होता, हमारे पे मैच हारने का प्रेशर होता, तो उसमें हमारी प्लानिंग चेंज हो सकती थी, और जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली हमने भी कोशिश की कि हमारी ये फेवर में जा रहा है, जो भी रिज़ल्ट अगर ड्रॉ होता है तो हमारी फेवर में। तो क्या ये कहना सही होगा कि आपने फोकस ऑलरेडी कर लिया है कि इस मैच को हम ड्रॉ पे जाएंगे? कुछ परफॉर्मेंसेज मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, जैसे गुलाम की बैटिंग है, उन्होंने 20 रन बनाए, 98 गेंदों का सामना किया। आदिल यहाँ खेल रहे हैं, उन्होंने अपने 50 किए और उसके बाद से उन्होंने कोई तकरीबन 100 गेंदें ली हैं सिर्फ 16 रन के लिए। डेफिनेटली देखे माइंड में तो है कि अगर ये ड्रॉ के लिए तब जाता है तो हमें ज़्यादा इसका फ़ायदा है, और एक तो दो दो पॉइंट हमें बैटिंग बॉलिंग से मिलते रहे तो हम जो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो प्लानिंग यही है कि अब सो फार ये है कि हम इस ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस के ग्रैंड ब्रैडबर्न साहब ने कहा था कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट की तरफ कोचेस को पुश कर रहे हैं, तो इस मैच को यूजुअली जो इंटरव्यूज़ हमने किए उसमें ये दिखा है कि कोचेज जो हैं वो जीत की तरफ देख तो रहे हैं मैचेस को, लेकिन ऑफ कोर्स जो गेम जिस तरह चल रहा है वहाँ पे डिसीजंस लास्ट मिनट भी लिया जाए। देखिए हमने कोई मैसेज नहीं दिया उनको ड्रॉ का, और हमने मैसेज दिया कि हमने मैच जीतने के लिए जाना है, पर जो जिस तरह की क्रिकेट हुई है पहली इनिंग से तो वहाँ से मैच थोड़ा सा चेंज हुआ है, और पिच का बिहेवियर भी देखा जाए लो बाउंस पिच है, ना ब्रेक हो रहा है, बैट्समैन के लिए बड़ा ईजी है अगर वो स्टे करना चाहे तो, उनके बैट्समैन ने भी स्टे किया, जैसे अर्ली 2 विकेट हमें मिलने के बाद जिस तरह की वो बैटिंग हुई है पहले सेशन में 67 रन बने, तो वो भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि वो मैच की सिचुएशन के मुताबिक हमें इस चीज़ को अपने माइंड में लेने के आना पड़ा कि अगर ड्रॉ की तरफ जाते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, ये ओवर मुकम्मल हुआ, 259 हो गया स्कोर, 3 खिलाड़ी, और एक आखिरी सवाल है, कासिम को अभी तक गेंद नहीं दिया गया, 3 विकेटें उन्होंने आपके लिए ली, लो बाउंस का उनको भी फ़ायदा हुआ, गुलाम आउट हुए, यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन दिख रही है कोई ख़ास वजह आपको दिखती है कि स्पिनर को नहीं ट्राई किया गया अभी तक? देखिए ये पिच में बॉलर आउट नहीं कर रहा, बैट्समैन अपनी गलती से आउट हो रहा है, तो बात यह है कि स्टेडियम की पिच को मैंने कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा बाउंस होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रास भी होना चाहिए ज़्यादा, कि वहाँ पर फिर मुश्किल हो जाता है कि आप ड्रॉ की कभी सोचते भी नहीं, आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो हमारा शुरू से यही एम है, अगर आप UBL में भी देखें हमने जो स्पिनिंग ट्रैक था वहाँ पे हमने 325 के रन के करीब स्कोर किए, तो हमने 450 करके हमने डिक्लेयर किया, अगर आप एवरेज निकालें तो 3.5 रन की ओवर से है, तो यही हमारी प्लानिंग है, हम खेलना तो पॉजिटिव ही है, अब एंड सिचुएशन ऐसी आ गई है और हमने दूसरी टीमों के पॉइंट्स देखने हैं, अपने भी पॉइंट्स देखने हैं, उसके मुताबिक हम इसको देख रहे हैं। चलिए गुड लक, थैंक यू।